शराब घोटाले की जांच के लिए बनाई गई एसईटी पर इनेलो ने सवाल उठाए हैं। इनेलो नेता अभय चौटाला ने कहा कि शराब के घोटाले की निष्पक्ष जांच के लिए प्रदेश सरकार ने एसआईटी का गठन करना चाहिए था, लेकिन सरकार द्वारा एसईटी का गठन करके इस घोटाले पर पर्दा डालने का काम किया गया है। घोटाले की जांच रिपोर्ट आने से पहले इनेलो ने शराब घोटाले की जांच कर रही एसईटी पर सवाल उठा दिए हैं। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने कहा कि सरकार द्वारा एसईटी का गठन करके इस घोटाले पर पर्दा डालने का काम किया गया है। इसीलिए अनिल विज जी ने सभी ने बात कही है, उन्होंने चिट्ठी लिखी है अपने सेक्रेटरी को कि इस एसईटी के पास भी एसआईटी जितनी पावर होनी चाहिए। अब तक तो उस मामले को भी इन्होंने गोलमाल किया हुआ है, अब तक तो कागजों में घूम रही है जो ये बनाया गया है जो सारा, तो मान के चलो कि इसमें बहुत सारे लोग ऐसे शामिल हैं जो सीधे सीधे सरकार के साथ जुड़े हुए हैं, जिनका सरकार के साथ बड़ा रिश्ता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि एसआईटी का ही गठन हो। वहीं इनेलो ने किसानों की फसल के भुगतान को लेकर भाजपा जजपा सरकार पर निशाना साधा है। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने आरोप लगाया है कि किसानों को उनकी फसल की पूरी कीमत 72 घंटों के अंदर नहीं मिल रही, बकाया राशि का भुगतान नहीं किया तो इनेलो हजारों किसानों के साथ जगह जगह धरने देगी। मुख्यमंत्री ने हमारे साथ जब कॉन्फ्रेंस करी थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जब करी, उसमें बड़े दावे किए थे और कहा था कि हम किसान का एक एक दाना खरीदेंगे, और ये भी कहा था कि जहां एक एक दाना खरीदेंगे वहां किसान को वक्त के ऊपर पेमेंट भी करेंगे। पिछले दिनों सरकार की तरफ से एक मंत्री को अधिकृत किया गया होगा जिसने आकर के आप लोगों के बीच में बैठ करके ये कहा था कि जब तक गोदाम में किसान की फसल नहीं जाएगी तब तक उसको पेमेंट नहीं मिलेगी। जो नियम है, कानून है, कायदे हैं, इसके शायद ये लोग जो है उन बातों से या तो अनजान है या ये कहीं लोगों का बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इनेलो नेता अभय चौटाला ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार द्वारा जो मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम लागू की गई है वो किसान विरोधी है। जहाँ तक भूमिगत पानी को बचाने का प्रश्न है, उसके लिए सरकार द्वारा हरियाणा की असली विरासत एसवाईएल नहर का पानी लाना और दादूपुर नलवी नहर को पुनर्जीवित करना है। ये कहते हैं हम 7000 रुपया उसको दूसरी फसल बोएगा तो सरकार की तरफ से देंगे। इनसे पूछने वाला हो जो ये फरमान जारी करने वाले लोग हैं कि धान जो एक एकड़ के अंदर जितना होता है, एक नाम दे दिया, नए नए नाम लाने के आदि है बेचारे, अब दे दिया मेरा पानी मेरा अधिकार है, मेरी विरासत। इन कमबख्तों को इस बात का पता नहीं, विरासत तो मेरा अधिकार मेरा पानी विरासत तो अगर कहीं है तो एसवाईएल है, उसका पानी लाओ नहीं, दादूपुर नलवी नहर बंद कर दी, एसवाईएल का पानी ला नहीं रहे, बात विरासत की करते हैं। जो आदमी इस तरह का फैसला लेता है उसकी विरासत तो है नहीं कहीं। इनेलो नेता अभय चौटाला ने मनोहर सरकार पर कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। शराब घोटाले को लेकर इनेलो लगातार सरकार को घेर रही है। चंडीगढ़ से अनिल कुमार, टोटल न्यूज़।